हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना जो हमारे देश की सरहदों की रक्षा के लिए अपने जीवन की सारी इच्छाओं को त्याग कर यहाँ तक कि अपने घर परिवार, अपने लोग, अपनों का प्यार और जीवन के सारे बंधनों को छोड़कर बिना किसी दुख की परवाह किए दिन रात सीमा पर खड़े रहते हैं और पलक झपकते ही दुश्मनों का खात्मा करने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, यदि आप भी इंडियन आर्मी के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो के 10,000 लाइक जल्द से जल्द पूरे कराएं ताकि हम आपको पुलवामा से जुड़ी पल पल की जानकारी आपको देते रहे। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पुलवामा में पिछले करीब 3 दशक में सबसे बड़े आतंकी हमले ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है और इस आत्मघाती हमले में 44 CRPF जवानों के शहीद होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस आतंकी घटना के पीछे जो ताकत है उसे सजा जरूर दी जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं। हमारे सुरक्षा बलों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है, हमारे वीर जवानों में हमें पूरा विश्वास है। इस आतंकी घटना के पीछे जो ताकत है और जो इसके जिम्मेदार है उसे जरूर सजा दी जाएगी। और दोस्तों, पुलवामा आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर यह समझता है कि वह जैसे घृणित कृत्य कर रहा है और जिस तरह की साजिश रच रहा है उससे वह हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा तो वह बहुत बड़ी भूल कर रहा है। पाकिस्तान को आड़े लेते हुए उन्होंने कहा है कि पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर यह समझता है कि वह जिस तरह के कृत्य कर रहा है, जिस तरह की साजिशें रच रहा है उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा तो वह उसकी बहुत बड़ी भूल है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि इस समय बड़ी आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश को यह भी लगता है कि वह ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। और मोदी ने कहा कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर मामले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि पुलवामा हमले के बाद अभी मन स्थिति, माहौल दुख और साथ ही साथ आक्रोश का है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा, रुकने वाला नहीं है। हमारे देश में जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम अपने जीवन का पल पल खपा देंगे। और दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे पुलवामा के आतंकवादी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण निछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खोल रहा है, यह मैं समझ रहा हूँ। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की संभावनाएं, वो स्वाभाविक है। दोस्तों, हमने हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दी हुई है, हमें अपने सैनिक के शौर्य पर पूरा भरोसा है। दोस्तों, मोदी ने कहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंगों में रंगे लोग सही जानकारी भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। और दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनका सभी साथियों से अनुरोध है कि इस वक्त संवेदनशील और भावुक सभी राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। और दोस्तों, देश का एक ही स्वर है और यही पूरे विश्व में सुनाई देना चाहिए क्योंकि हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े आतंकवादी हमले में पुलवामा के पास गुरुवार को CRPF के 44 जवान शहीद हो गए। दोस्तों, उधर PM मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा बलों में समिति की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर अलग थलग किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया है।